नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। देश के चमकते सितारे हैं मजदूर, हेमंत सोरेन ने कहा। प्रवासी श्रमिकों की बेहतरी का प्रयास हो रहा है। बजट में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। मजदूर देश के चमकते हुए सितारे हैं, उन्हें सुरक्षा और अधिकार देना हम सभी की जिम्मेदारी है। यह बातें शुक्रवार को एक मीडिया संस्थान के वेबिनार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वेबिनार का विषय डिकोडिंग इंडियाज इंटरनल माइग्रेशन था। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति हुई, इसे सभी ने देखा है। प्रवासी मजदूर अपने भविष्य को लेकर संघर्षरत हैं। हम सभी को मिलकर इसे बदलना होगा। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में प्रवासी श्रमिकों का बड़ा योगदान है, लेकिन इनका भविष्य अंधकार में है। इनके कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ठोस नीति बनाए जाने की जरूरत है। इनके कल्याण को बड़े विषय के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये लगातार छले और ठगे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक खनिज प्रधान राज्य है। यहाँ के खनन प्रभावित क्षेत्रों में पलायन की समस्या अधिक है, क्योंकि यहाँ की भूमि खेती योग्य नहीं रहती। ऐसे में मजबूरन श्रमिकों को बाहर निकलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य के श्रमिकों की बेहतरी के लिए प्रयासरत हूं। आने वाले बजट में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्र को केंद्रित कर होगा, जिससे पलायन की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में प्रवासी श्रमिकों को सड़कों पर छोड़ दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। राज्य के श्रमिकों की मौत उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान हुई, यह दुखद है। राज्य सरकार ने आपदा में फंसे श्रमिकों के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक स्थानीय अखबार में तमिलनाडु में श्रमिकों को बंधक बनाए जाने की बात सामने आई है। श्रमिकों का संगठित तरीकों से शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीआरओ के साथ एक समझौते के तहत राज्य के श्रमिकों को देश के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए भेजा। पूर्व में श्रमिकों को काम के एवज में कम पारिश्रमिक मिलता था। राज्य सरकार ने उनके लिए उचित पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया है। आजाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।